हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विमेन वर्कर्स इन ब्रिटेन अटैक द स्पिनिंग जेनी. तो ये जो औरतें थी ब्रिटेन की जो काम करती थी, इन लोगों ने स्पिनिंग जेनी पर अटैक किया था. इसको हमें एक्सप्लेन करना है. सो टिल नाउ द विमेन वर्कर्स वर डिपेंडेंट ऑन हैंड स्पिनिंग. अभी तक क्या था, जो धागा बनाया जाता था वो जो ये विमेन वर्कर्स इन्हें हाथ से बनाते थे, दे वर डिपेंडेंट, उस पर निर्भर थे, हाथ से स्पिनिंग पे डिपेंडेंट थे. बट लेकिन द इंट्रोडक्शन ऑफ स्पिनिंग जेनी, लेकिन स्पिनिंग जेनी के आने पे इन द वूलन इंडस्ट्रीज मेड देम होस्टाइल. अभी तक वो लोग हाथ से धागा बना रहे थे, लेकिन जब वूलन इंडस्ट्री में जब स्पिनिंग जेनी आ गई थी, जैसे ये एक डिवाइस है जिससे धागा बनाया जाता है, इसके आने से विमेन जो थी उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था उनके अंदर. क्यों? द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फोर्स देम टू अटैक द स्पिनिंग जेनी. क्योंकि अब मशीन आ गई थी काम करने के लिए, तो अब लेबर कम चाहिए. जब लेबर कम चाहिए तो कम लोगों को नौकरी पर रखा जाएगा. अब कम लोगों को नौकरी पर रखा जाएगा तो कई लोगों को फिर नौकरी से अब निकाल दिया जाएगा. तो उनके मन में ये डर था अनएम्प्लॉयमेंट का कि हमको कहीं नौकरी से निकाल ना दे, तो इसलिए उन्होंने स्पिनिंग जेनी पर अटैक किया था. स्पिनिंग जेनी क्या है? स्पिनिंग जेनी वॉज अ मशीन. ये एक मशीन है डिवाइस बाय, किसने बनाई है? जेम्स हार्ग्रीव्स ने इन 1764 में जेम्स हार्ग्रीव्स ने ये स्पिनिंग जेनी ये मशीन बनाई है. क्या काम करती है स्पिनिंग जेनी? इट स्पीडेड अप द स्पिनिंग प्रोसेस. जो धागा बनाने की प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको जल्दी जल्दी अब धागा बन जाता था. एंड रिड्यूस लेबर डिमांड. और अब मशीन थी तो लेबर की इतनी डिमांड भी नहीं थी. एज By turning one single wheel, labor demand कैसे कम हुई? कि एक बार अगर चक्का घुमा दिया, एक बार अगर wheel को घुमा दिया, a worker could set in motion a number of spindles and spin several threads. अगर एक बार चक्का घुमा दिया तो उसमें जो वर्कर उसमें घुमा रहा है व्हील को, वो एक ही बार में कई सारे धागों को एक साथ बना सकता है. So I hope you understood the question. As well as the answer, best of luck.